योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी किसी समारोह से लौट रहे थे। इसी दौरान एक गाड़ी की जबरदस्त टक्कर होती है। वैन के आगे का शीशा टूटकर बिखर जाता है। वो तो शुक्र है ऊपर वाले का कि मंत्री को इसमें कोई चोट नहीं आई। वो इसलिए क्योंकि उनकी फॉर्च्यूनर कार हादसे का शिकार नहीं हुई, बल्कि उनकी फ्लीट में शामिल सिक्योरिटी वैन के साथ ये हादसा हुआ। दरअसल पूर्वांचल के संत कबीर नगर कांति चौराहे के पास गोपाल गुप्ता नंदी की फ्लीट में शामिल सिक्योरिटी वैन एक ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसे में मंत्री नंदी की फॉर्च्यूनर कार बाल बाल बच गई, लेकिन उनकी सुरक्षा में वैन में सीआरपीएफ के 3 जवान जख्मी हो गए। इनमें से 2 जवानों के सिर और 1 के हाथ में चोट आई है। बताया जा रहा है कि जब चलती हुई फ्लीट में अनियंत्रित ट्रैक्टर घुसा तो मंत्री नंदी जिस फॉर्च्यूनर में सवार थे वो महज कुछ सेकंड के अंतर से आगे निकल गई और ठीक पीछे चल रही गाड़ी चपेट में आ गई। फिर जैसे ही ये हादसा हुआ, नंदी बिना देरी किए सीआरपीएफ के घायल जवानों को खुद बस्ती जिले के श्री कृष्ण मिशन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी आंखों के सामने सभी जवानों का इलाज कराया और डॉक्टरों से भी उनकी सेहत से जुड़ी जानकारी ली। उधर मंत्री की जानकारी मिलने पर बस्ती जिले के एडिशनल एसपी और सीओ सिटी भी अस्पताल पहुंच गए। इसके बाद नंदी सभी जवानों को प्राथमिक इलाज के बाद अपने साथ लखनऊ लेकर गए, जहां मेदांता अस्पताल में उनको भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी गोरखपुर औद्योगिक विकास अधिकरण के 35वें स्थापना दिवस समारोह से लौट रहे थे, तभी संत कबीर नगर कांति चौराहे के पास उनके काफिले में शामिल कार ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसे के वक्त जो लोग वहां थे उनका आरोप है कि यह हादसा ट्रैक्टर चालक की लापरवाही की वजह से हुआ है। इस घटना के बाद यूपी सरकार के मंत्री नंदी ने जिस तरह से घायल जवानों के लिए काम किया उसकी लोग सराहना कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।